हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उस एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब हम समझते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो वर्ड हैं, एक तो है एटम और एक है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब तो आप जानते ही हो कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। और एटम का मतलब क्या है? एटम का मतलब समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मैटर को, कि मैटर क्या होती है। तो देखो बच्चों, मैटर क्या होता है? एवरी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ओके, एवरी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ओके, तो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उसके पास क्या होना चाहिए? मास। अगर उसके पास मास नहीं है तो वो क्या नहीं है? मैटर। जैसे मैं अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखूं तो आप बताना किसके पास मास है और किसके पास मास नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं आयरन रोड, क्या आयरन रोड के पास मास होता है? यस, आयरन रोड के पास मास है तो ये क्या है? एक मैटर। ओके, मैं बोलूं वाटर बोतल, क्या वाटर बोतल के पास मास होता है? यस, तो वाटर बोतल क्या है? मैटर। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं स्माइल, क्या आप बता सकते हो कि आज आप कितने केजी हंसे या आप कितने केजी आपने मुस्कान बिखेरी? नहीं ना, तो स्माइल के पास कोई मास नहीं होता, तो स्माइल क्या नहीं है? मैटर। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं लाइट, तो जो सन से लाइट आ रही है या जो ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, क्या इसके पास मास है? नहीं, तो इसके पास मास नहीं है तो ये क्या नहीं है? मैटर। तो मैटर होने के लिए हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मास। तो जिसके पास भी मास होगा वो क्या है? मैटर। ठीक है, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, मेनली थ्री टाइप ऑफ मैटर, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, अब कोई भी सॉलिड जो होगा वो अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, कोई भी लिक्विड होगा वो अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और कोई भी गैस होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। तो जो सॉलिड होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं, एज कम्पेयर टू लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, एंड एज कम्पेयर टू लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़े दूर दूर और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पास किस में होते हैं? सॉलिड में, उससे दूर लिक्विड में, और सबसे दूर गैस में। ठीक है, तो अब हमें क्या करते हैं, हम एक आयरन रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? आयरन रोड, या किसी भी मेटल की रोड ले लो, या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की आप किसी भी रोड ले लो। ठीक है, तो अगर सॉलिड सब्सटेंस की आपने रोड ली, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आयरन रोड ली, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो किसके होंगे? आयरन के होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस आयरन रोड को कट करते हैं ऐसे। तो जब हम इस आयरन रोड को कट करेंगे तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? टू पार्ट में। ठीक, अब हम इसका एक पार्ट रख लेते हैं साइड में। तो बताओ, ये जो आयरन रोड है, ये जो हमें मिला है, ये जो पार्टिकल या जो हमें टुकड़ा मिला है, ये किसका है? आयरन का। तो ये आयरन रोड के कंपेरिजन में बड़ा है कि छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है। अब हम क्या करें, इसको फिर से कट करें। ठीक है, फिर से कट करेंगे तो ये फिर से छोटा हो गया, फिर से इसको कट करें तो फिर से ये छोटा हो गया। तो हम इसको क्या है, कट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो जब हम इसको कट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो ये छोटा होता जाएगा। तो एट द एंड हमें इस आयरन का इतना छोटा पॉइंट मिलेगा या इतना छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसे अपन फर्दर टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो एट लास्ट सबसे छोटा पार्टिकल हमें मिला है, किसका मिला है? ये सॉलिड का, और वो सॉलिड हमने क्या लिया है? आयरन। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम की डेफिनेशन क्या है?
द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इंटू टू पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, अब वो सॉलिड का भी हो सकता है, वो लिक्विड का भी हो सकता है, वो गैस का भी हो सकता है। तो एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर टू पार्ट्स इज नोन एज एटम। ठीक है बच्चों, तो आपको एटम समझ में आया? तो एटम किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? मैटर का। कौन सा पार्टिकल है जिसे अपन फर्दर टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते? अब ये जो एटम वर्ड है, एटम वर्ड जो लिया गया है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, एटोमियो। एटम वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो। और एटोमियो का मतलब क्या होता है? विच मीन्स अनकट। तो एटोमियो का मतलब क्या होता है? अनकट, अर्थात जिसे पुनः टू पार्ट में डिवाइड, जिसे फर्दर टू पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि हम केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जितने भी वर्ड काम में लेते हैं वो या तो ग्रीक लैंग्वेज के लेते हैं या फिर लैटिन लैंग्वेज के लेते हैं। इन दो ही लैंग्वेज के वर्ड काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, इसलिए। ठीक है, डेड लैंग्वेज का मतलब है कि इनका इन ये लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आपको एटम समझ में आया? ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू। चलो अब हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर। चलो अब स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक, देखो एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है होलो स्फीयर। ठीक, और इस होलो स्फीयर का जो सेंटर पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के राउंड कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और इस ये तो है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के राउंड में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे को देखनी है कि आखिर ये स्ट्रक्चर आई कैसे। ठीक है, अब देखो हम किसी भी एटम में से इस न्यूक्लियस के अंदर इस किसी भी एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर सकते हैं। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम उनको न तो ऐड कर सकते हैं न हम उनको इजुकुलेट करा सकते हैं। सिर्फ अगर किसी को निकाला या ऐड किया जा सकता है तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, और इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, चलो तो देखो हमारे पास एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल। वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो इनको सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों बोलते हैं? सब का मतलब होता है के अंदर, एटम का मतलब होता है एटम, तो ये पार्टिकल किसके अंदर होते हैं? एटम के अंदर। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, चलो अब देखो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये एटम के अंदर होते हैं, और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? अब हमें एटम के स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, करें स्टार्ट। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, कर लो।
चलो, तो सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर किया गया था वो था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने की जो कोशिश की थी सबसे पहले जो कोशिश की गई थी वो की गई थी विलियम्स क्रुक्स के द्वारा। कौन से साइंटिस्ट थे वो? विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। कैसा? ऐसा। चलो, तो विलियम क्रुक्स ने क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब ली थी। ठीक, ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब जो कि ट्रांसपेरेंट है। ठीक, उन्होंने इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो मेटल रोड लगाई और इनको बिल्कुल सील पैक कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सील पैक मतलब ये रोड अब हिल नहीं सकती। ठीक, यहां पर लगाया उन्होंने वैक्यूम पंप। ठीक है, और यहां उन्होंने इन दोनों मेटल रोड को इन्होंने जोड़ दिया हाई वोल्टेज से। तो ये जो हमारे पास हाई वोल्टेज है ये है सेल। ठीक, अब सेल क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, सॉरी बैटरी, ये जो हमने जोड़ी है ये क्या है, बैटरी। अब देखो साइंस के अंदर कुछ नोटिफिकेशन बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी जो वॉल वॉच होती है वो वॉल वॉच के पीछे की तरफ जो सेल लगता है उसको अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो वो सेल ऐसा ही होता है। देखना उस सेल को, ये तो ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये है प्लस और ये है माइनस। और इसी सेल को हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किस तरीके से नोटिफिकेशन बनाते हैं, एक खींचते हैं हम बड़ी लाइन और एक खींचते हैं हम छोटी लाइन। ठीक, तो ये जो बड़ी लाइन हमने खींची है ये है पॉजिटिव और जो छोटी लाइन हमने खींची है ये है नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया एक सेल। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी आप बना सकते हैं। ये तो हो गया, छोटी लाइन तो क्या है नेगेटिव और बड़ी लाइन क्या है पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हम इन सेल्स को कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, बैटरी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एक सेल, ये एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, ये एक सेल, ये फिर एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, ये एक सेल, ये छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, ये एक सेल। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, बैटरी। अब सेल में से जो करंट निकलती है, करंट बाहर आती है, वो कौन से टर्मिनल से बाहर आएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से, और कौन से टर्मिनल में चली जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक, मतलब बड़े लाइन से तो बाहर और छोटी लाइन के अंदर। ठीक है, तो जिस मेटल रोड को हम छोटी लाइन से यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो जो पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल रोड है, अब जब इनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं ना तो अब इनको हम मेटल रोड नहीं कहते, अब इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ा जाता है या जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम, एनोड, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड। ठीक है, पर मैं आपके लिए एक चीज बताऊं, ये एनोड और कैथोड की ये वाली डेफिनेशन एकदम सही नहीं है। ठीक है, पर अभी के लिए ये ठीक है, अभी आपको बाद में बता देंगे हम कि एनोड वास्तव में एनोड क्या होता है। ठीक है, पर अभी के लिए ठीक है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो क्या है, एनोड, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या है, कैथोड। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था ये किन्होंने बनाया था, विलियम क्रुक्स ने। ठीक, चलो अब हम जानते हैं कि लाइक के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। और डिसलाइक के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो दोनों मेटल रोड पर अगर आप देखो तो दोनों पर लाइक चार्ज है कि डिसलाइक चार्ज है, डिसलाइक चार्ज। और जो ये चार्ज है ये बहुत छोटा सा चार्ज है कि बहुत बड़ा वाला चार्ज है,
बहुत हाई वोल्टेज लगाया है, तो यहाँ पर चार्ज भी कितना आएगा, हाई चार्ज आएगा, और यहाँ पर भी जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो भी हाई पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो अब हमने ये जो मेटल रोड है, हमने क्या, विलियम क्रुक्स ने जो ये मेटल रोड है इनको सील पैक किया हुआ है, तो ये मेटल रोड एक दूसरे के पास नहीं जा सकती, जा सकती है क्या, नहीं, ठीक है, पर जाना तो किसी न किसी को पड़ेगा, अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि ये जो मेटल रोड है क्या ये एक मैटर है, यस ये एक मैटर है, मैटर है तो क्या उसके अंदर एटम है, यस उसमें एटम है, और एटम है तो क्या उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यस। तो बताओ कौन सा पार्टिकल है जो एटम को छोड़कर जा सकता है या एटम में ऐड हो सकता है, तो वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, अब विलियम क्रुक्स ने ये सब कुछ तो लगा दिया, पर विलियम क्रुक्स को कुछ दिखा ही नहीं, बार 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 उसने एक्सपेरिमेंट किया, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि एटम इज अ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, दैट्स व्हाई इफ एटम कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई देन हाउ कैन यू सी द इलेक्ट्रॉन बाय नेकेड आई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एटम में, तो जब हम एटम को नहीं देख सकते तो हम इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो देखो उसने ये सब किया तो सही, इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है लेकिन उसको दिखा नहीं, ठीक। तो उन्होंने किन से हेल्प मांगी, तो उन्होंने फिर हेल्प मांगी माइकल फेराडे से, किन से, माइकल फेराडे से। तो माइकल फेराडे से जब हेल्प मांगी तो माइकल फेराडे ने भी अपना पूरा दिमाग लगाया, ठीक। तो माइकल फेराडे ने भी अपना पूरा दिमाग लगाया तो वो भी इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो फिर इन दोनों के ही प्रोफेसर थे जे जे थॉमसन, कौन थे, जे जे थॉमसन। तो फिर ये दोनों किन के पास गए, जे जे थॉमसन के पास। तो जे जे थॉमसन ने ये इंस्ट्रूमेंट अपने घर में रख लिया और इनसे बोला कि मैं इस पे अकेले में एक्सपेरिमेंट करूँगा और फिर तुम्हें बताऊँगा। तो जे जे थॉमसन इनके प्रोफेसर थे तो वो जानते थे, तो उन्होंने क्या चालाकी करी, उन्होंने, वो जानते हैं कि मैटर के अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा, तो उन्होंने क्या किया, इस एनोड के अंदर इस एनोड को परफोरेटेड कर दिया, ठीक, एनोड को परफोरेटेड कर और इस एनोड के पीछे इस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल वो लगा दिया, और उस फ्लोरोसेंट मटेरियल का नाम है जिंक। मटेरियल लगाने का क्या मतलब है कि फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर आप किसी भी पार्टिकल को कोलाइड कराओ तो उस पार्टिकल के कोलाइड करने की वजह से वहां पर स्केटरिंग आपको दिखती है, ठीक है। अब देखो, अब वापस से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चालू किया, वैक्यूम पंप लगा रखा है, वैक्यूम पंप क्यों लगा रखा है, ताकि हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर रख सकें, और वो लो प्रेशर कितना रखना है हमारे को, 0.01 mm ऑफ Hg, इतना लो प्रेशर हमारे को रखना है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले मतलब कैथोड में से इलेक्ट्रॉन की रे, खूब सारी रे निकलेगी, और जहां एनोड पर परफोरेशन मतलब परफोरेटेड है उसमें से उसको पार कर पीछे की तरफ इस जिंक सल्फाइड से जाकर कोलाइड करेगी। तो जिंक सल्फाइड से जाकर अगर कोलाइड करेगी तो जहां पर ये कोलिजन होगा वहां पर हमारे को क्या दिखेगी, स्केटरिंग दिखेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे को दिखेगा नहीं, बस उसकी स्केटरिंग दिखेगी, ठीक। अब ये स्केटरिंग जो दिखेगी वो कंटिन्यूस दिखेगी कि डिसकंटिन्यूस दिखेगी, बोलो सोचो। तो देखो बच्चों, ये जो स्केटरिंग हमारे को दिखेगी ना, ये कंटिन्यूस दिखेगी। तो कंटिन्यूस स्केटरिंग दिखेगी, तो कंटिन्यूस स्केटरिंग दिखने का मतलब है कि ये पार्टिकल है कि रे है, ये रे है, ठीक है। तो इस रे को जे जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, कहाँ से निकल रही है ये, कैथोड में से, इस वजह से इस रे को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रे, क्या नाम दिया, कैथोड रे, ठीक है। तो देखो, एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत किन्होंने करी थी, विलियम क्रुक्स ने, फिर उसके बाद कोशिश किन्होंने करी थी, माइकल फेराडे ने, ठीक है। और ये दोनों ने किन से हेल्प मांगी, जे जे थॉमसन से। तो बताओ सफलता किसको मिली, जे जे थॉमसन को, ठीक है।
तो इस कैथोड रे की डिस्कवरी का जो श्रेय है, इस कैथोड रे की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो किसको जाता है? जे जे थॉमसन को। ठीक है बात यहाँ पर। अब इस कैथोड रे पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? देखो, इन कैथोड रे के पाथ के बीच में, इन कैथोड रे के पाथ के बीच में हम एक फॉइल रख देते हैं, बहुत बारीक सी फॉइल, बहुत पतली फॉइल रख देते हैं। तो जब ये कैथोड रे इस फॉइल पर कोलाइड करेगी, ठीक, तो जब ये कैथोड रे इस फॉइल पर कोलाइड करेगी तो ये फॉइल कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और कलर कैसा हो जाएगा इसका? रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन कैथोड रे के पास क्या है? एनर्जी है। ठीक है, क्या है इनके पास? एनर्जी। ठीक, तो इससे पता लग गया कि इन कैथोड रे के पास क्या है? एनर्जी। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, इन कैथोड रे के पाथ के बीच में एक बहुत ज़्यादा लाइट वेट का फैन रख देंगे, बहुत लाइट वेट, जितना लाइट वेट आप सोच सकते हो ना उतने लाइट वेट का फैन रख दो आप। तो जब कैथोड रे इस फैन से कोलाइड करेगी तो ये फैन क्या होगा? ये फैन घूमने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। अब बच्चों एक बात ये सोचो, अगर मान लो ये रे होती, मतलब ये लाइट होती, तो क्या ये फैन घूमता? नहीं। अब अगर ये फैन घूम गया तो इसका मतलब अब ये क्या नहीं है? ये रे नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल। क्या है ये? पार्टिकल। तो फिर बाद में जे जे थॉमसन ने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे वास्तव में रे नहीं होती, ये क्या होते हैं? पार्टिकल। ठीक है, चलो। और वो पार्टिकल होने का पता कैसे लगा हमारे को? जब हमने लाइट वेट का फैन रखा। डन, चलो अगला एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, इन कैथोड रे के पाथ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। वही ऐसी प्लेट्स, मेटल प्लेट लगा देते हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो जब ये कैथोड रे इन प्लेट के बीच में से होकर निकलती है, अगर जब ये प्लेट नहीं थी तब तो ये रे कैसे जा रही थी, या ये पार्टिकल कैसे जा रहे थे? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जैसे ही हमने इन रे के पाथ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये अपने पाथ से क्या हो गई? डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो ये किधर की तरफ मूव कर गई? सभी रेस या सभी पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर गए? सभी पार्टिकल मूव कर गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो अभी अभी हमने सीखा है कि लाइक लाइक के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। और डिसलाइक के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अट्रैक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली कि इन पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज है? इन पार्टिकल्स पर चार्ज है नेगेटिव। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद उन्होंने इन रे के पाथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के पास। किसके पास? मैग्नेट के पास। तो मैग्नेट के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मैग्नेट एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसके पास दो पोल होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, इस नॉर्थ पोल में से कुछ लाइंस बाहर आती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है, ऐसे। और इन लाइन को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक लाइन। और जहां तक ये मैग्नेटिक लाइन जाती है, जितना एरिया ये मैग्नेटिक लाइन कवर करती है उस वहां तक के फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑलवेज नॉर्थ में से निकलती है और साउथ में एंटर कर जाती है, और हम इन नॉर्थ और साउथ को कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए एक यू शेप की मैग्नेट लेते हैं, ऐसी।
तो जब हम एक यू शेप की मैग्नेट लेंगे तो इसका एक पोल तो होगा नॉर्थ और एक पोल होगा साउथ, ठीक है। तो मान लो ऊपर वाला पोल नॉर्थ और नीचे वाला पोल साउथ है, तो अब इस मैग्नेट को हम या तो ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे। तो ये जो है ये डायग्राम किस में है, 3D में, और हमारा बोर्ड किस में है, 2D में। तो इसलिए आपको बस समझना ऐसे पड़ेगा कि इसको ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और बीच में ये ट्यूब है। तो आपको सिर्फ ऊपर वाला, ऊपर का ये वाला पार्ट नज़र आएगा और इसका ये वाला पार्ट नज़र आएगा, बाकी का पार्ट आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो नज़र कैसे आएगा आपको, ऐसे, ये और ये। तो ऊपर वाला तो क्या है नॉर्थ और नीचे वाला क्या है साउथ, ठीक है। बाकी पूरी यू शेप की मैग्नेट है ये, ठीक है। चलो, तो जब हम इन कैथोड रे को इन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से निकालते हैं, तो ये कैथोड रे, जब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, लेकिन अब ये कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। अब ये किधर की तरफ जाएगी ये हम अभी नहीं बता सकते, ये आपको पता लगेगा जब आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, उसके अंदर आप राइट एंड लो रूल पढ़ोगे, उसमें आपको पता लगेगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है। तो हमारे यहाँ भी तो ये इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहा है, अरे हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होती है, करंट। तो माइकल फेराडे ने अपना एक रूल दिया था, राइट एंड थंब रूल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और मुली हुई अंगलियां किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अभी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ, तो करंट किधर से किधर जा रही होगी, एनोड से कैथोड। तो अंगूठा ऐसे रखो और मुड़ी हुई अंगलियां किसको बताएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर मान लो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर की तरफ होगा, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ में है, ठीक है। तो उधर से इधर आ रही है, तो मतलब इधर की तरफ तो होगा नॉर्थ और उधर की तरफ होगा साउथ, समझिए बात को। इधर से मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रहा है, यूँ यूँ जाके और यूँ आ रहा है, तो बोर्ड के अंदर की तरफ तो जा रही है मैग्नेटिक लाइन और बाहर आ रही है इधर से। तो बाहर इधर से आ रही है तो इसका मतलब इधर तो क्या है नॉर्थ और इधर क्या है साउथ। तो इधर हमने साउथ रख रखा है, तो बताओ किधर की तरफ मूव कर जाएगी, साउथ की तरफ, ऐसे। चलो, तो हमने चार एक्सपेरिमेंट किया हमने। पहला एक्सपेरिमेंट में तो क्या किया था अपन ने, एक मेटल की प्लेट या बहुत फॉइल, मेटल की फॉइल रखी थी, बहुत बारीक फॉइल, जिससे कैथोड रे कोलाइड करी थी तो वो गर्म हो गई थी, रेड कलर की हो गई थी। तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा था कि इन कैथोड रे के पास क्या है, एनर्जी। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक लाइट वेट का फैन रख दिया, तो फैन घूम गया था। तो फैन कब घूमेगा, जब ये रे होगी तब कि पार्टिकल होगा तब, पार्टिकल होगा तब। तो उस फैन के घूमने से हमें क्या पता लगा कि ये रे नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल, जिनको जे.जे. थॉमसन ने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो ये कैथोड रे या ये जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इन पर चार्ज कौन सा है, चार्ज की प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है नेगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर चौथा एक्सपेरिमेंट हमने किया कि हमने इनके पाथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से भी ये डिस्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब इनके पास कौन सा फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारे को यहाँ पर सिर्फ इसके चार्ज की प्रॉपर्टी पता लगी है, इसके चार्ज की वैल्यू हमें पता नहीं लगी है, डन है बात। चलिए, तो बताओ शुरुआत किन्होंने करी थी, विलियम क्रूप्स ने। सेकेंड कोशिश किन्होंने करी थी, माइकल फेराडे ने। फिर ये दोनों किसके पास गए थे, जे.जे. थॉमसन के पास। तो जे.जे. थॉमसन ने ही इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको जाता है, जे.जे. थॉमसन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किन्होंने करी थी, जे.जे. थॉमसन ने, ठीक। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब पहला फंडामेंटल पार्टिकल हम डिस्कवर कर चुके हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
चलिए इसके आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।